हमारे यहाँ पिछले 30 वर्षों से रहा है। सुरक्षा की हालत यहाँ पे पस्त रही है, सुरक्षित महसूस नहीं करते लोग, लड़के भी नहीं करते, लड़कियाँ भी नहीं करती। जो कानून व्यवस्था को लगाम लगानी चाहिए, मुख्यमंत्री से मैं यही निवेदन करूँगी, क्योंकि उनको जनता ने चुना है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है और मैं जनता की इज्जत करती हूँ। हाँ, मैं उन्हें ये कहूँगी कि अब थोड़ा प्रजा के बारे में इस 5 वर्षों में सोचे। बहुत ही उम्मीद से उन्हें पिछले 15 साल पहले उनको बहुत उम्मीद से लाया गया था। नमस्कार, आप न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी। मैम, आज जो किसान बिल को लेकर के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? किसानों को सम्मिलित करने की ज़रूरत है पॉलिसी मेकिंग में, नहीं तो प्रजातंत्र का और पॉलिसी मेकिंग का माहौल उड़ाना है। इतनी ठंड में अगर किसान बैठे हैं और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम चुने गए हैं, तो या तो जिस तरीके से आपका चुनाव हुआ वो फॉर्स है, मतलब शैम है, या वहाँ पे बैठ के आप बस तमाशा कर रहे हैं। क्योंकि प्रजा के लिए ही ये तंत्र है, लोग भूल गए हैं, लोगों को लगने लगा है कि राजतंत्र ख़त्म हो गया है और अब राजा की जगह पे ये लोग बैठेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और लोगों का बस यही काम है कि वो वोट करेंगे। ऐसा नहीं है। नीतियाँ बनाने के लिए, अगर आपको लगता है, नीतियों के बहुत सारे प्रो होते हैं, बहुत सारे कौन होते हैं, अगर किसी को लेकर के क्या कहेंगे, अगर किसी भी कौन से जनता को तकलीफ़ हो रही है नीतियों के, तो आपको उसे बदलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर भी बुरी नीतियों का ही परिणाम है। हमारे यहाँ पिछले 30 वर्षों से रहा है, सुरक्षा की हालत यहाँ पे पस्त रही है, सुरक्षित महसूस नहीं करते लोग, लड़के भी नहीं करते, लड़कियाँ भी नहीं करती, किसी के भी सुरक्षा के प्रति कोई नीति नहीं बनाई गई है। सिर्फ पुलिस फोर्स हो जाना नीतियाँ बनाना नहीं होता, आपका एक ग्रीवान सिस्टम भी होना चाहिए, आपको पूछना चाहिए लोगों से कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। बट यहाँ पे तो राजा हैं, प्रजातंत्र में भी हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश अभी तक राजा हैं, उन्हें निकलने की ज़रूरत है बाहर, बाहर जाके लोगों से पूछने की ज़रूरत है कि क्या दिक्कतें हैं। विपक्ष पार्टियाँ भी इसको लेकर के सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे जो महागठबंधन? इस बात पर मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, ये भी अपने आप में दुर्भाग्य की ही बात है कि हाँ ठीक है वो विपक्ष में है, लेकिन पिछले 30 साल की जो ये पार्टियाँ हैं, देखिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कुछ भी अगर यहाँ पे वो जो कागज़ पे लिखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसके विरोध होता में विरुद्ध कुछ भी होता है तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे मूल बात जो इसमें ये होती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सिर्फ एक नहीं होते लीडर या एक पॉलिटिशियन नहीं होते, नीचे तक डिसेंट्रलाइज्ड हैं और वो कोई रौब झाड़ने के लिए नहीं होते, वो वहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पार्टीज़ हैं वो तो रौब झाड़ने के लिए होती हैं। अब विपक्ष में बैठ गए हैं या पक्ष में बैठ गए हैं, सब वही पार्टियाँ हैं, पहले खुद ही उनसे हम असुरक्षित थे, अब जो दूसरे हैं उसके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, आज जिनके प्रति हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो कानून व्यवस्था को लगाम लगानी चाहिए, मुख्यमंत्री से मैं यही निवेदन करूँगी, क्योंकि उनको जनता ने चुना है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है और मैं जनता की इज्जत करती हूँ। हाँ, मैं उन्हें ये कहूँगी कि अब थोड़ा प्रजा के बारे में इस 5 वर्षों में सोचे। बहुत ही उम्मीद से उन्हें पिछले 15 साल पहले उनको बहुत उम्मीद से लाया गया था और वो भूल गए हैं बहुत सी चीज़ें, राजतंत्र के वो डिक्टेटरशिप वाले मोड में चले चले जा रहे हैं, उससे बाहर। आज का दिन बहुत खास है, सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है आज। मेरे लिए इस साल का सबसे खास दिनों में से एक है। आपको पता होगा, ये मैंने कई बार कहा है कि अगर एक नेता आप मुझसे पूछें, सबसे पहले तो असली नेता मैंने बार बार कहा है सिर्फ एक ही। हम लोग नेता शब्द को इतना लूजली यूज़ करते हैं आजकल, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है कहता है हम नेता हो गए। नेता सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं बनता, नेता नेता जैसी हरकतें करने से बनता है। और इस देश के मुखिया भी कितना नेता है वो तो खैर प्रश्नवाचक चिन्ह है उस पर खुद ही। तो आज वो दिन है जबकि हर व्यक्ति से मैं ये निवेदन करूंगी, दूसरे पार्टियों के व्यक्तियों से भी, कि 2 मिनट अपनी अंतरात्मा में झांक के देखे कि जिस जनता ने आपको ये मैंडेट दिया है, जिस भी वजह से दिया हो, अब जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और वो ऐसे कहें, हमारी हिंदी भाषा में जिसको राजधर्म का पालन करना कहते हैं, उसका पालन करिए। बस इतना ही कहूँगा। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ पुष्पम प्रिया चौधरी कर रही थी, और ये कभी कभी दिखाई देती हैं, हालांकि
कुछ दिन पहले चुनाव में काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद फिर वो चुनाव खत्म होने के बाद में फिर वो स्थिर हो गई थी। आज सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती समारोह है और यहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंची थी और उस दौरान काफ़ी कुछ इनसे सवाल भी किए हैं और इन्होंने जवाब भी दिया है। आप सुनिए कि क्या कुछ कह रही हैं, तो आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।